हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि दोस्तों यदि आपका व्हाट्सएप पर कहीं से भी दोस्तों फोटो वीडियो आता है तो दोस्तों वो गैलरी के अंदर शो नहीं करता है। जैसे कि दोस्तों मान लो यहां पे मैं इस फोन से दोस्तों इस फोन पे व्हाट्सएप पे दोस्तों कोई फोटो भेजता हूँ या फिर दोस्तों कोई वीडियो भेजता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे व्हाट्सएप के अंदर डाउनलोड हो जाता है, बट दोस्तों वो गैलरी के अंदर फोटो गैलरी के अंदर नहीं दिखता है वो फोटो या फिर हो दोस्तों वीडियो। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का दोस्तों सोल्यूशन कैसे है और दोस्तों क्या करोगे ताकि दोस्तों कोई सा भी फोटो वीडियो आपके व्हाट्सएप के अंदर आए तो दोस्तों वो गैलरी के अंदर शो करे। दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट आप लोग देखना बिना भागाए, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा ये क्रिटिकल है। आप यदि अच्छे से नहीं समझोगे तो दोस्तों थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि ये दोनों फोन के अंदर जो व्हाट्सएप ओपन किया हूँ दोस्तों, ये प्रॉपर यहाँ पे आप देख सकते हो कि वर्क कर रहा है। यहाँ से दोस्तों जो मैंने मैसेज भेजा है यहाँ पे दोस्तों इस फोन पे, तो दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों ये जो मैसेज है ना अभी नहीं आया है। यहाँ पे दोस्तों मैंने गलत नंबर को सिलेक्ट किया है। यहाँ पे दोस्तों इस नंबर पे मैं आपको यहाँ पे मैसेज भेज के दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि ये जो मैसेज है ना यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों अभी जो हमारा व्हाट्सअप है ना काम कर रहा है। आपके सामने दोस्तों ये सारा सब कुछ मैं लाइव दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों किस रीजन से आपके व्हाट्सअप के अंदर कोई फोटो वीडियो आता है वो दोस्तों आपके फोन गैलरी के अंदर शो नहीं करता है, उसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये देखना है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं आपको एक फोटो भेज के यहाँ पे दोस्तों दिखाता हूँ ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ सके। अब यहाँ पे दोस्तों मैं एक फोटो को यहाँ पे भेजता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं इस फोटो को सिलेक्ट कर लिया हूँ और यहाँ पे दोस्तों मैं इस फोटो को यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। सेंड जैसे ही यहाँ पे दोस्तों ये कंप्लीट हो जाएगा ना यहाँ पे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा और दोस्तों सारा सब कुछ आपके सामने लाइव प्रूफ होगा। कहीं से भी दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करूंगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों फोटो आ भी गया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑटो डाउनलोडेड हो गया है। अब दोस्तों ऑटो डाउनलोडेड तो हो गया है, बट दोस्तों इसे मैं गैलरी के अंदर यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके सामने ही दोस्तों गैलरी के अंदर ओपन कर रहा हूँ। एल्बम के अंदर जाता हूँ तो दोस्तों फ्रंट पे यहाँ पे कहीं पे भी फोटो नहीं दिख रहा है। अदर एल्बम के अंदर जा रहा हूँ तो दोस्तों यहाँ पे व्हाट्सअप के अंदर या फिर दोस्तों यहाँ पे व्हाट्सअप के अंदर ये फोटो दोस्तों कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भी दोस्तों ये फोटो नहीं है। तो आखिर में दोस्तों ये प्रॉब्लम होता क्यों है, तो दोस्तों यही आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों आपको अपने फोन के अंदर इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले तो व्हाट्सअप को ओपन करना है और यहाँ पे दो तीन चीजें जो मैं आपको बताऊंगा वो चीजें ध्यान से देखना और समझना। थ्री डॉट पे दोस्तों क्लिक करने हैं, सेटिंग के अंदर आने हैं। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टोरेज एंड डेटा के अंदर आने हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आओगे ना तो दोस्तों आपको यहाँ पे मीडिया ऑटो डाउनलोडेड मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों सब पे आपको फोटो ऑडियो वीडियो, जैसे कि ये अनटिक है तो सब पे आपको टिक कर देना है। यहाँ पे भी दोस्तों सब पे टिक कर देना है। यहाँ पे भी सब पे टिक कर देना है। ये हो गया दोस्तों फर्स्ट सेटिंग। अब दोस्तों आपको यहाँ पे दूसरा जो सेटिंग करना है वो भी ध्यान से देखना है। अब दोस्तों आपको दूसरा सेटिंग करने के लिए फिर से थ्री डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग के अंदर आने हैं। इसके बाद दोस्तों चैट के अंदर आने हैं। चैट के अंदर आओगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे मीडिया विजिबिलिटी मिलेगा, जो कि दोस्तों सबको पता है कि ये ऑन रहेगा तभी दोस्तों फोटो वीडियो आपकी गैलरी में जाएगा। जैसे कि मान लो ये ऑफ है, ऑन कर दोगे तो ही जाएगा। बट दोस्तों इसे ऑन करने के बाद भी ये मेरे मोबाइल फोन के अंदर ऑन था व्हाट्सअप में, फिर भी दोस्तों जो फोटो वीडियो है वो गैलरी के अंदर नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों हम लोग इस चीज़ का सोल्यूशन बताने वाले हैं आप लोगों को। सबसे पहले अब इसके बाद दोस्तों आपको प्राइवेसी के अंदर आने हैं। दोस्तों यदि आपने यहाँ पे दोस्तों प्राइवेसी के अंदर यहाँ पे एक फीचर है जो कि दोस्तों ये यदि दोस्तों ये जो है ना मैसेंजर टाइम, यानी कि दोस्तों ये जो मैसेज टाइमर होता है यहाँ से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट दोस्तों जिस बंदे के यहाँ से जो चैटिंग हो रही है, जैसे कि मान लो यहाँ से मैंने कोई चैट किया, यहाँ पे हाय लिख के भेज दिया। अब यहाँ पे दोस्तों यदि ये बंदा कोई फोटो वीडियो भेज रहा है और दोस्तों आपके व्हाट्सअप के अंदर डाउनलोड हो रहा है बट दोस्तों गैलरी के अंदर नहीं शो हो रहा है, तो दोस्तों ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को दोस्तों छुटकारा पाने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पे इसके प्रोफाइल पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करोगे और नीचे आओगे तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे ये देखिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों डिसअपीयरिंग मैसेज ऑन है। तो दोस्तों ये डिसअपीयरिंग मैसेज ऑन होगा तो दोस्तों ये मीडिया विजिबिलिटी काम नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों मैंने इसके ऊपर कई सारी वीडियो बनाया है, तब दोस्तों मुझे जाके इसका एक्सपीरियंस हुआ है कि ये यदि ऑन होगा तो दोस्तों आपका यहाँ पे मीडिया विजिबिलिटी ये दोस्तों काम नहीं करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको इसे ऑफ कर देना है अपने फोन के अंदर। ऑफ करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे देखिए सेटिंग यहाँ पे बता दिया कि चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों मीडिया विजिबिलिटी को दोस्तों यहाँ से ऑन, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑन कर देना है।
यहां पे दोस्तों ऑन हो गया या फिर दोस्तों आपको यस कर देना है ताकि सो न्यूली डाउनलोडेड मीडिया फ्रॉम दिस चैट इन योर डिवाइस गैलरी, आपको डिफॉल्ट या फिर दोस्तों यस पे क्लिक रखना है। अब इतना कर देने के बाद दोस्तों आपको यहां पे क्या काम करना है कि दोस्तों फिर से आपको यहां पे यही दोस्तों मैं आपको फोटो भेज के दिखाता हूं, यही फोटो जो मैंने अभी अभी यहां पे दोस्तों भेजा था यही फोटो आपको यहां पे भेज के दिखाऊंगा। और देखिए दोस्तों ये फोटो आ गया, अपने आप डाउनलोड भी हो गया। अब चलिए दोस्तों हम यहां पे क्या काम करते हैं कि फिर से वहीं पे दोस्तों गैलरी के अंदर जाते हैं जहां पे दोस्तों हम यहां पे फोटो को देखेंगे, एल्बम के अंदर जाते हैं, यहां पे दोस्तों अदर एल्बम के अंदर जाते हैं, यहां पे व्हाट्सएप के अंदर नहीं दिख रहा है, यहां पे भी व्हाट्सएप के अंदर नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों आखिर में ये फोटो जा कहां रहा है और दोस्तों ये हमें मिलेगा कैसे? मान लो दोस्तों ये फोटो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसकी हमें जरूरत है, तो दोस्तों कोई फोटो वीडियो व्हाट्सएप के अंदर आया तो दोस्तों डाउनलोड करने के बाद भी वो नहीं मिल रहा है। ये दोस्तों ये हैंडसेट का गैलरी है। अब दोस्तों जो गूगल की तरफ से जो फोटो वाला जो एप्लीकेशन होता है ना, इसके अंदर भी चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं इसे एक बार बैक करता हूँ, यहाँ पे बैक करने के बाद लाइब्रेरी के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों व्हाट्सएप का एक फोल्डर होता है, यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो फटाफट से दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हाट्सएप के अंदर यहाँ पे ये जो व्हाट्सएप इमेज है ना, इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे फोटो नहीं दिख रहा है। अब दोस्तों आपको करना क्या है वो चीज आप लोगों को ध्यान से देखना है। सारा दोस्तों प्रॉब्लम जो है ना यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर छुपा है, आपके दोस्तों फाइल मैनेजर के अंदर। यहाँ पे दोस्तों सारा सब कुछ कर लिया, सेटिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी दोस्तों जो फोटो वीडियो है वो दोस्तों गैलरी के अंदर नहीं आ रहा है। अब दोस्तों आपको सिंपल सा करना क्या है कि आपको अपने फोन के अंदर फाइल मैनेजर को ओपन करना है। अब दोस्तों जैसे ही फाइल मैनेजर को ओपन करो तो यहाँ पे इमेज मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे भी ये फोटो आपको देखने को नहीं मिलेगा कहीं पे भी। किसी भी फाइल के अंदर ढूंढोगे तो दोस्तों ये जो फोटो है ना आपका नहीं मिलेगा। तो आखिर में दोस्तों आपको मिलेगा कैसे? तो दोस्तों एक बार आपको सिंपल सा फिर से बैक करने हैं, यहाँ पे ऑल फाइल पे दोस्तों क्लिक करना है, आपको अपने फोन के अंदर फाइल मैनेजर को ओपन करना है, ऑल फाइल को क्लिक करना है, यहाँ पे इंटरनल या एक्सटर्नल स्टोरेज दोस्तों आपको अपना स्टोरेज सेलेक्ट करना है, यहाँ पे इसके बाद दोस्तों एंड्रॉइड को सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखते रहना, इसके बाद दोस्तों आपको मीडिया पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्लिक करना है, फिर से दोस्तों व्हाट्सएप पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों तीन ऑप्शन दिखेंगे जो कि दोस्तों आपको थर्ड में मीडिया पे क्लिक करने हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों कई सारे आपके सामने यहाँ पे चीजें आ जाएंगी, बट दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे फाइव दोस्तों हम यहाँ पे व्हाट्सएप इमेज को सिलेक्ट करेंगे। इतना होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये फोटो नहीं दिखेगा, यहाँ पे भी दोस्तों ये फोटो नहीं दिखेगा। इसके अंदर भी दोस्तों आपको यहाँ पे दो फोल्डर मिलेंगे, या फिर दोस्तों व्हाट्सएप का जो यहाँ पे ओपन करोगे डेटाबेस, जो यहाँ पे फाइल ओपन करोगे यहाँ पे आपको ढूंढने की प्राइवेट आपका कहाँ है, तो दोस्तों यहाँ पे सेंट है और प्राइवेट है, तो दोस्तों आपको प्राइवेट पे क्लिक करना है। और दोस्तों जैसे ही क्लिक कर दोगे तो दोस्तों आप यहाँ पे नीचे में देख सकते हो कि दोस्तों ये फोटो यहाँ पे आ चुका है। यदि दोस्तों आपको इसका डिटेल देखना है तो इस पर मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ, मोर पे क्लिक करता हूँ, डिटेल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोस्तों ये इतने केबी का फोटो है और मॉडिफाइड 9 मार्च को, यहाँ पे आज 9 तारीख है दोस्तों, और यहाँ पे देख सकते हो कि ये फोटो अभी अभी जस्ट मैंने जो फोटो भेजा है दोस्तों वही ये फोटो है। तो दोस्तों ये जो फोटो है आपको यहाँ पे ढूंढने हैं दोस्तों, हो सकता है वहां पे किसी रीजन की वजह से दोस्तों आपका ये जो फोटो है ना जो व्हाट्सएप से डाउनलोड होने के बाद दोस्तों गैलरी के अंदर शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसे यदि आप शो करवाना चाहते हो तो दोस्तों आप इसे मूव कर सकते हो। मूव करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे क्या काम करने हैं कि दोस्तों आपको यहाँ पे एंड्रॉइड के अंदर जाने हैं या फिर दोस्तों ऑल फाइल के अंदर जाने हैं, और यहाँ पे दोस्तों आपको DCM, यहाँ पे जो DCM है ना दोस्तों, यहाँ पे आपको कैमरे के अंदर जाने हैं और यहाँ पे दोस्तों पेस्ट कर देने हैं। अब दोस्तों ये जो फोटो है ना दोस्तों आपके गैलरी के अंदर हो सकता है कि शो करे, अभी भी कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पे इसके लिए दोस्तों हम गैलरी के अंदर जाते हैं, गैलरी के अंदर जाने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे ऊपर में आपका फोटो आ चुका है। तो दोस्तों है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग और कमाल का ट्रिक जो कि दोस्तों आपके व्हाट्सएप के अंदर फोटो वीडियो गैलरी के अंदर शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आप इस छोटी सी ट्रिक को लगा के दोस्तों आप शो करवा सकते हो अपनी गैलरी के अंदर। सो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना, एक अच्छा सा प्यारा सा कॉमेंट भी करना, अपने फैमिली परिवार में दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। इसी तरह की वीडियोज को देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू इसी तरह की इंटरेस्टिंग और कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।